तो ये है स्ट्रिक्स का आर्गन स्ट्रिक्स डेवलपर, 20 वॉल्यूम के साथ है। सेड नंबर है ये 9 सेड नंबर है ये। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताने वाली हूँ। तो अपने बालों में जितना मुझे ऐड करना है उतना मैं यहाँ पे कटोरी में ले ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी हेयर कलर क्रीम विथ आर्गन ऑयल, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी हेयर कट की है, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें अच्छे से कलर क्रीम को ऐड करेंगे। तो इसको मैंने ले लिया है एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो अच्छे से इसको 5 मिनट तक मिक्स कीजिए, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड फिर बालों में अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मिलते हैं हम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ हेयर कलर विथ स्ट्रिक्स आर्गन ऑलिव ऑयल वाला हेयर कलर है। इसमें दिया हुआ है हम लोग को डेवलपर एंड ये दिया हुआ है कलर क्रीम। तो एक कलर क्रीम मेरा 2 हेयर कलर में यूज हो चुका है, 2 बार मैंने यूज़ किया है। इसमें अभी 2 बार और यूज करने के लिए डेवलपर बचा हुआ है, तो इसको मैं रख दूँगी क्योंकि 3-5 मेरे पास और बची हुई है। तो अच्छे से मैंने बालों को वॉश कर लिया है। बालों में कोई ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले, एंड अप्लाई करेंगे अभी बालों में हम लोग इसको। तो आपको अप्लाई करने के लिए पहले सेंटर पार्टीशन कर लेनी है इस तरीके से। इसको आपको बालों में कम से कम 1 घंटे तक छोड़ना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो ये हमने जो अप्लाई किया था वो अच्छे से, सॉरी ये जो कलर बनाया हुआ था मैंने, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसको इस तरीके से अप्लाई करना है पूरे बालों में, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे में बालों में कलर है। कई लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा कलर आपने यूज़ किया है अपने बालों में, तो मैंने यही कलर यूज़ किया है। अगर आपको भी ये कलर अच्छा लग रहा है तो आप ये ले सकते हो। ये मैंने दुकान से लिया था, अब इसको आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। इस तरीके से लगाते जाना है, देन आप कॉम का भी यूज़ कर सकते हो एंड इस तरीके से फिंगर से भी लगा सकते हो। इसको बालों में छोड़ना है आपको। 35 मिनट का टाइमिंग दिया होता है, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए मैंने इसको 1 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने दिया था। 1 घंटे के बाद मैंने वॉश किया था इसको शैम्पू से, नॉर्मल पानी से वॉश नहीं किया था। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। अगर आप किसी की हेल्प ले लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और अगर कोई आपके पास भी नहीं है हेल्प करने के लिए, जैसे कि मेरे पास कोई नहीं है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ खुद से।
तो लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो लेंथ में नहीं, मेरी लेंथ में मेरे कलर है, बट जो हेयर लंबे हुए हैं जड़ से वो ब्लैक हो गए हैं, तो उनके ऊपर मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, बैक में भी इसी तरीके से पूरा अप्लाई कर लेना है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप इसको चेक जरूर कीजिए, पैच चेक करना जरूरी है, हो सकता है कि आपको फूट ना करें। इसी तरीके से पूरे बाल में आपको अप्लाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से बालों को लेके और सारे बालों पे कलर को अप्लाई करना है। बाद में जो कलर बचेगा उसको आप बेसिक लेंथ पे अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। हो सकता है कि कम पड़ जाए कलर फिर, वैसे तो इतना बड़ा फाइल होगी तो कम नहीं पड़ेगा, आप और बना सकते हो, लेकिन अगर आप छोटा सा ही फाइल लेके आए हो तो पहले आप इस तरीके से जड़ों में अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम से लॉन्ग गोल्डन हेयर कलर रख रहे हो तो, जैसे कि मैं रख रही हूँ, एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आपके बालों में लॉन्ग टाइम से डैंड्रफ है या फिर जुए हैं तो कलर लगाने के बाद से जुए तो गायब हो ही जाएंगे, साथ के साथ आपका डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। मैंने ये चीज़ फील किया है, जब भी मैं कलर लगाती हूँ सारी अगर जुए तो भी मेरे बालों में काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं आई हैं, लेकिन जब थी तो मैंने कलर लगाया था और सारी जुए ख़त्म हो गई थी। इस तरीके से आपको फ्रंट में बैक में हर जगह कलर को अप्लाई कर देना है। आप चाहो तो ग्लव्स भी पहन सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहना था। सारे बालों को ऊपर ही करते रहिए, इस तरीके से बैक में लगा लीजिए, क्योंकि मेरा काम है हेयर स्टाइल बनाने का, तो इस तरीके से अगर कलर फुल बाल रहेंगे तो हेयर स्टाइल जो होती है बहुत अच्छी से दिखती है, इसलिए मैं सारे बालों में इस तरीके से कलर ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से सारे बालों में कलर अप्लाई कर लेना है। काफ़ी टाइम थी मैं सोच रही थी कलर करने के लिए, काफ़ी कमेंट भी आ रहा था कि मैम कलर करिए, कलर करके वीडियो बनाइए, बट टाइम नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ी एक साल से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही, इधर उधर भाग दौड़ पूरा लगा हुआ है लाइफ में, समझ भी नहीं आ रहा होता है, लेकिन फाइनली मुझे टाइम मिला और मैंने हेयर कलर किया है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। अब ये बचे हुए कलर का होगा क्या, तो इसको भी हम लोग लेंथ में अप्लाई कर देते हैं। चलिए कलर
टाइम पूरा होने के बाद देखते हैं कि कैसा कलर आया है बालों में। और तब तक के लिए बालों को इस तरीके से गोल कर देंगे और क्लचर या रबर बैंड जितने भी आपको ईजी हो वो लगा के आप ऐसे ही छोड़ दोगे कम से कम 35 मिनट के लिए, और रख सकते हो तो 1 घंटा रख रख दो बालों में। ओके, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक कर लीजिएगा कि कलर कैसा आया है। मिलते हैं हेयर वॉश करने के बाद कि कैसा रिजल्ट है। मेरे बालों में कलर अप्लाई कर लिया है एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद हेयर वॉश करके। ओके, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। तो हाय एवरीवन, कल मेरा था फास्ट और मैं हाथों की पूजा कर चुकी हूँ। जो आपने कल का वीडियो में देखा था कि मैंने हेयर कलर किया था, उसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया है। आपको अगर करना है ये कलर कैसे किया है, कौन सा कलर है, कितना मिक्स करना है, क्या सारी चीज़ें डिटेल में अपलोड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो और अपने बालों में भी ट्राई कर सकते हो। उसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वैसे ये हेयर कलर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ पार्लर में एंड वेट हो रहा है मेरी स्टूडेंट्स का, वो लोग आ रहे हैं, थोड़ा टाइम पास होगा मेरा। और ये मैंने जो बैंक हेयर कट किया है इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, एंड ये जो हेयर कलर है इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपको दोनों ट्राई करना है तो आप मेरे प्रीत तिवारी वाले चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा कि मैंने कट कैसे किया है एंड कैसे हेयर कलर किया है सारी चीज़ें। तो चलिए, स्टूडेंट्स का वेट हो रहा है, वो लोग आ जाए तो फिर मैं उन लोगों को सिलाई सिखाना स्टार्ट करूँगी और फिर मिलोगे आपके सामने। बाय बाय।